तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे Redmi Note 8 Pro में भाई Pixel OS का जो Android 13 का जो अपडेट आया था उसे कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो भाई मैं पहले बता दूं कि Pixel Experience और Pixel OS में काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है भाई, आप इस दोनों नेम को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि भाई Pixel OS जो होता है वो गाइस Pixel Experience का फॉर्कड होता है। फॉर्क यानी गाइस मतलब Pixel Experience से ही गिच, मतलब Pixel Experience के बेस पे ही इसे बनाया जाता है। बट गाइस इसमें आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अब गाइस मैं बता दूं कि भाई Pixel OS जो है वो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई एक एक्सटेंडेड वर्जन है Pixel Experience ROM का। तो गाइस यहां पे अब चलते हैं, गाइस इसके बारे में कुछ कुछ बात करते हैं। तो गाइस ये है Android 13 वाला रिलीज, तो चलिए गाइस इसके बारे में इसके वेबसाइट पे और पढ़ते हैं गाइस कि इसमें क्या क्या अपने को देखने मिल रहा है। तो गाइस हमारे पास जो आया है भाई वो है हमारा Redmi Note 8 Pro के लिए, वो है सितंबर का अपडेट। बट गाइस आप यहां देख सकते हो कि अक्टूबर का ये अपडेट है, तो गाइस डेवलपर इसे भी बहुत जल्दी ही रिलीज कर देंगे। गाइस अभी हम जो फ्लैश करने वाले हैं वो है सितंबर का अपडेट। अब गाइस यहां पे आप देख लो कि भाई सितंबर वाला जो अक्टूबर वाला जो अपडेट है वो है स्टेबल रिलीज। गाइस इवन जो सितंबर वाला जो अपडेट है वो इनिशियल एंड्रॉइड 13 का बिल्ड है, तो गाइस उसमें भी आपको ये सारे फीचर्स देखने मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो भाई हमारे जो डिवाइस के लिए है उसके लिए उसमें भी एंड्रॉइड वर्जन 13 देखने मिल रहा है, और गाइस साथ में उसमें आपको पर्फ कर्नल देखने मिल जा रहा है। अब गाइस यहाँ पे देखोगे तो गूगल सैंस फॉन्ट जो कि एज यूजुअल भाई एंड्रॉइड 13 में रहते हैं वो अपने को देखने मिल जा रहे हैं। अब गाइस एज यूजुअल की भाई सारे ही गूगल पिक्सल्स रोम में जो है आपको अनलिमिटेड गूगल फोटोज का बैकअप देखने मिल जाता है। इनफैक्ट गाइस आपको बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशंस भी इसमें देखने मिल जाते हैं जो कि गाइस आपको पिक्सल एक्सपीरियंस में देखने नहीं मिलेंगे। तो भाई इसीलिए इसे पिक्सल को आप एक्सटेंड जब करते हो तो पिक्सल ओएस जो है वो रिलीज किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो कि भाई सारे फीचर्स की लिस्ट आप देख सकते हो जो कि आपको यहाँ देखने मिल जा रहे हैं पिक्सल ओएस में। भाई हमारा जो है वो सितंबर 2022 वाला अपडेट है, अक्टूबर अपडेट जैसे ही रिलीज होगा मैं इस पे वीडियो बना दूंगा गाइस इसमें, तो सितंबर 2022 अपडेट को पहले देख लेते हैं। तो भाई यहाँ आप देख लो कि ये एंड्रॉइड 13 का जो इनिशियल बिल्ड्स है पिक्सल ओएस का वो सितंबर वाले अपडेट में हमें देखने मिल जाता है। अब गाइस इसमें कुछ कुछ फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनलिमिटेड आप बैकअप कर सकते हो गूगल फोटोज के। गाइस एज यूजुअल भाई इसमें आपको ग्लैंस और वेदर दोनों ही लॉक स्क्रीन पे देखने मिल जाते हैं। इनफैक्ट गाइस आपको जो पिक्सल का बूट एनिमेशन है वो भी देखने मिल जा रहा है। इनफैक्ट गाइस पिक्सल का बैटरी ग्राफ भी देखने मिल जा रहा है। अब गाइस बात करें अगर एंड्रॉइड 13 का पिक्सल ओएस स्पेसिफिक फीचर्स, तो भाई यहाँ पे देख लो कि इतने सारे फीचर्स हमें देखने मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ कुछ अगर मैं अच्छे अच्छे फीचर्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पे है कि यहाँ पे सिस्टम ऑडियो रिकॉर्डिंग लिमिट्स को हटा दिया गया है। गाइस आपको पहले पता होगा कि भाई 15 मिनट्स का आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, बट गाइस अभी इस वाले अपडेट में आपको जो सितंबर जो हम फ्लैश करने वाले हैं उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो लिमिट था उससे इंक्रीज करके अनलिमिटेड कर दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि लॉन्ग वर्बोसिटी को भी डिक्रीज कर दिया गया है, जिसके कारण गाइस आपको थोड़ा लैग कम देखने मिलेगा। इनफैक्ट गाइस आप जब स्क्रॉल करोगे तो इतना डेफिनेटली देखने मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो फ्रिक्शन लेवल है उसे ट्वीक कर दिया गया है, ट्वीक मतलब मॉडिफाई कर दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे आपको ढेर सारे थीम्स देखने मिल जाते हैं भाई। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि पिक्सल एक्सपीरियंस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, तो आपको यहाँ पे सिंपल पिक्सल एक्सपीरियंस से कई गुना कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने मिल जाते हैं। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है कि भाई गाइस जैसे ही आप पिक्सल को ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जो ऐप है वो आप इंस्टॉल करते हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से, सपोज आप क्रोम से इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस केस में गाइस आपको यहाँ पे फायदा ये होगा कि आपको पैकेज का जो नाम है नेम है वो पता चल जाएगा, जिससे कि गाइस आप अपने एंड पे सिक्योर रह सकते हो। भाई आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो, जिससे कि आपको मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब गाइस इसमें ऑब्वियसली पिक्सल का ही एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे आपको पिक्सल लॉन्चर जो है वो होम स्क्रीन देखने मिल जाता है। तो गाइस मैं पहले यहाँ पे अभी ये था कुछ कुछ अबाउट दिस वन। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रांड न्यू पिक्सल ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, तो हमारा जो सितंबर का जो अपडेट है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाइस देखते हैं कि क्या क्या फाइल्स हमें डाउनलोड करना है, और गाइस WRP का रिलीज आया हुआ है गाइस उसे भी देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अपने को दूसरा अपडेट भाई देखने मिल जा रहा है वो है TWRP रिकवरी का। तो भाई मैंने पहले ही बताया था कि भाई पहला अपडेट जो है वो हम पिक्सल एक्सपीरियंस का लेकर के आए हैं, जो कि सितंबर 2022 वाला अपडेट है, और गाइस दूसरा जो अपडेट है वो अपना है TWRP रिकवरी वाला जो अपडेट है वो। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो कि ये जो है रिकवरी ये कल रिलीज किया गया है, और गाइस ये एक थीम्ड रिकवरी है। ओके, इसका क्रेडिट जाता है गाइस इशिता करके है उनको,
तो भाई ये उन्होंने ही बनाया है, इसको पूरा जो थीम करा है उन्होंने ही करा है। तो यहाँ पे गाइस अब कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स मुझे मिले थे भाई, मैं वो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ गाइस। फिर चलते हैं, इस दोनों को ही फ्लैश करते हैं और भाई अपना कस्टम रॉम में एंटर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स देख लो। तो गाइज ये थे कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स। अब गाइज मैं यहाँ पे फाइल जो है उसे सेट कर लेता हूँ, क्या क्या डाउनलोड करने हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ वीडियो में। तो गाइज आपको यहाँ पे चाहिए होगा भाई टोटल दो फाइल्स, जो कि गाइज पहला चाहिए होगा भाई आपको पिक्सल ओएस का जो कस्टम रॉम है वो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज। यहाँ पे ये ओरिजिनल फाइल है, आप यहीं से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो गाइज आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और तो गाइज दूसरा फाइल जो चाहिए होगा भाई वो चाहिए होगा आपको ये TWRP रिकवरी। तो गाइज इस वीडियो से अब से मैं ये वाला रिकवरी यूज किया करूंगा, तो गाइज आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये काफी इजी है फ्लैश करना और गाइज इसमें आपको OnePlus के जो थीम्स है वो देखने मिल जाते हैं, जो कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट में शो करा था। तो भाई यहाँ पे आप देख लो कि इसमें कुछ कुछ जो अपडेट किए हुए हैं भाई, उसमें है पहला जो है मैजिस्क वर्जन को 24.2 कर दिया गया है। तो गाइस अगर आप लेटेस्ट मैजिस्क फ्लैश करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली TWRP रिकवरी में जा करके ही फ्लैश कर सकते हो भाई, आपको अलग से फ्लैश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गाइस दूसरा जो है यहाँ पे OnePlus 8T के ब्लॉक्स ऐड किए गए हैं। गाइस मुझे नहीं पता ब्लॉक्स क्या होते हैं, बट जो भी है। फिर यहाँ पे गाइस ऑप्टिमाइज्ड बेगोनिया ब्लॉक्स है, तो गाइस मतलब उसको और ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। और गाइस थर्ड जो है वो है अल्ट्रा स्टेबल स्मूथ UI। तो गाइज यहाँ पे आपको स्मूथ UI देखने मिल जाते हैं और गाइज परफॉर्मेंस जो है उसे काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। तो गाइज एज यूजुअल है भाई कि OnePlus का रिकवरी OnePlus का मतलब एक्सटेंडेड है, तो भाई ऑब्वियस सा बात है कि मतलब ऑप्टिमाइज तो होगा ही। तो गाइज ये था अबाउट, और यहाँ पे गाइज आप कुछ कुछ फीचर्स है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ये था अबाउट दिस। तो इसे डाउनलोड करते भाई आपको यहाँ पे आ जाना है फाइल्स में, और यहाँ पे आप देख लो कि भाई यहाँ पे जो फाइल है इसे आपको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो गाइज आप इसे डाउनलोड कर लेना, और गाइज पहला फाइल जो होगा भाई वो आप पिक्सल OS का फाइल वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और गाइज दूसरा फाइल जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो यार अब देखते हैं कि भाई कौन कौन इसे फ्लैश कर सकते हैं, और फिर फ्लैश करते हैं और देखते हैं भाई फर्स्ट लुक क्या रहता है। तो गाइस यहाँ मैं हूँ अभी अपने Redmi Note 8 Pro पे, और भाई मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि मैं अभी कौन से वर्जन पे हूँ। तो गाइस यहाँ आप देख लो कि भाई मैं हूँ 12.5.5 पे। तो गाइस अगर आप 12.5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी पे भी हो, तो भाई आप इस वीडियो को देख करके पिक्सल OS के जो एंड्रॉयड 13 के जो सितंबर अपडेट है उस पे आप फ्लैश कर सकते हो। तो भाई वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे अबाउट फोन में आ जाना है, और यहाँ पे आपको MIUI वर्जन जो है इसे 7 टाइम्स टैप करना है। तो गाइस जैसे आप 7 टाइम्स टैप करोगे तो यहाँ पे यू आर नाउ अ डेवलपर लिख करके आ जाएगा। तो जैसे ये लिख करके आए गाइस आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, और यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ एडिशनल सेटिंग्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे आ जाना है गाइस आपको डेवलपर ऑप्शन। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि भाई अगर आपको किसी कोई भी कस्टम रॉम फ्लैश करना है तो भाई उसके लिए आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। तो भाई मैंने बूट लोडर पे दो दो वीडियो बना करके रखे हैं, आप यहाँ पे आई बटन में जरूर से उसे देख लेना। तो गाइस जैसे आप उसे अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक करोगे, उसके बाद फिर गाइस आपको आ जाना है यहाँ पे, आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ भाई मेरा बूट लोडर जो है वो ऑलरेडी अनलॉक है। यहाँ गाइस देख सकते हो कि मेरा OEM अनलॉकिंग जो है वो ऑलरेडी अनलॉक है, और गाइज यहाँ भी देख लो कि भाई मेरा MI अनलॉक स्टेटस है अनलॉक है। तो गाइज यहाँ पे आपका भी जरूर से MI अनलॉक स्टेटस जो है वो अनलॉक शो करना चाहिए। अब गाइज बैक आते हैं, और यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, गाइज USB डीबगिंग का जो ऑप्शन है इसे आपको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। और अब गाइज क्या करते हैं भाई, अपने पिक्सल OS को अपने Redmi Note 8 Pro में कॉपी कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ कि भाई हमने हमारा Redmi Note 8 Pro में जो है पिक्सल OS का जो फाइल है वो कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ आप देख लो कि भाई हमारा पिक्सल OS जो है वो कॉपी हो चुका है। तो भाई आपको भी पिक्सल OS को जो रॉम है उसे कॉपी कर लेना है। अब गाइज चलते हैं अपने PC पे और फ्लैश करते हैं भाई अपना Redmi Note 8 Pro का जो OnePlus 8T थीम वाला रिकवरी है उसे।
बट गाइस पीसी पे जाने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज करना है भाई, आपको अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में लेके जाना है। तो आपको क्या करना है गाइस, पावर बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पे रिबूट जो है इसे सिलेक्ट करके रिबूट कर लेना है। और गाइस रिबूट करते साथ वॉल्यूम डाउन बटन जो है उसे प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप करोगे गाइस तो आप जो है अपने डिवाइस के फास्ट बूट मोड में आ जाओगे। तो आप अपने डिवाइस के फास्ट बूट मोड में आ जाओगे। अब गाइस जैसे आपने डिवाइस के फास्ट बूट मोड में आए भाई, आपको अपने डिवाइस को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब गाइस चलते हैं अपने पीसी पे और भाई फ्लैश करते हैं TWRP रिकवरी। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने पीसी पे और भाई यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपको करना है दो फाइल डाउनलोड। तो गाइस पहला फाइल जो है भाई वो है TWRP रिकवरी और गाइस दूसरा फाइल जो है वो है PixelOS। मैंने दोनों यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, PixelOS जो है उसे अपने Redmi Note 8 Pro में कॉपी कर लेना है। अब गाइस जो TWRP रिकवरी यहाँ पे आपको सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे भाई मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है तो मैं इसे हटाता हूँ। भाई यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे तो ऐसा फोल्डर बन करके आ जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे जो है अपने फोन को मेक श्योर कि भाई आपका फोन कनेक्टेड हो और अपन चलते हैं इस फोल्डर में। अब गाइस इस फोल्डर में हम आएंगे और यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि एक विंडो बैच फाइल शो कर रहा है जो फ्लैश रिकवरी का है। आपको सिंपली इसे डबल क्लिक कर देना है। मैं दिखाता हूँ गाइस। ओके तो गाइस इसे करते हैं डबल क्लिक और गाइस यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा जो फोन है वो TWRP रिकवरी में सक्सेसफुली बूट हो चुका है। अब गाइस देखते हैं भाई कि कैसा रहता है फर्स्ट लुक। तो गाइस यहाँ पे अपना पीसी का जो काम है तो गाइस यहाँ पे भाई देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है भाई। ये जो थीम्ड है भाई ये काफी अमेजिंग थीम लग रहा है भाई, मतलब लिटरली बढ़िया लग रहा है। ओके तो गाइस इसमें इसको इससे फ्लैश करने में भाई मजा आएगा। तो चलो देखते हैं भाई फटाफट से इसमें करते हैं फ्लैश। ओके तो गाइस आप ये देख लो कि भाई कुछ कुछ नए नए जो थीम्स हैं वो उसमें क्या क्या न्यू दिख रहा है आपको। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो भाई कि सही लग रहा है ये। तो गाइस आपको अब क्या करना है, सबसे पहले भाई अपना चेक कर लेना कि आपका जो रोम है वो कॉपी हुआ है या नहीं। मैं यहाँ दिखा दूँ कि मेरा जो PixelOS है वो यहाँ कॉपी हो चुका है, यहाँ देख लो। अब गाइस आ जाते हैं यहाँ बैक में और यहाँ पे माउंट में आ जाना है और यहाँ पे सिस्टम और वेंडर दोनों को ही माउंट आपको कर लेना है। जैसे आप माउंट करोगे गाइस यहाँ पे MTP जो है उसे डिजेबल पे क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे ही आप MTP डिजेबल करोगे आपको आ जाना है यहाँ पे होम बटन में। अब यहाँ पे वाइप में आ जाना है और यहाँ पे एडवांस वाइप में डेलविक सिस्टम वेंडर डेटा और कैच इन पांचों को सिलेक्ट करके वाइप कर देना है। अब गाइस आपको आ जाना है होम बटन प्रेस करके यहाँ पे इंस्टॉल में और यहाँ पे गाइस अब करते हैं अपने PixelOS को फ्लैश। तो गाइस आप देख लो कि भाई ये एंड्रॉइड वर्जन 13 है और गाइस ये 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया है गाइस और सिक्योरिटी पैच गाइस आपको सितंबर का देखने मिल जाता है। गाइस यहाँ पे OnePlus का लोगो देख के कंफ्यूज मत होना भाई, ये हमारा Redmi Note 8 Pro ही है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो रोम है वो फ्लैश हो चुका है। अब गाइस आपको क्या करना है भाई, अगर आपको रूट करना है तो आपको यहाँ पे आ जाना है एडवांस में और यहाँ पे गाइस आपको इंस्टॉल मैजिस्क सेलेक्ट करके फ्लैश कर देना है। गाइस मैं यहाँ पे रूट नहीं करने वाला हूँ तो इसलिए मैं इसे फ्लैश नहीं करूंगा। और गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको मैजिस्क का लेटेस्ट वर्जन जो है वो देखने मिल जाता है। अब गाइस आपको आ जाना है यहाँ होम बटन प्रेस करके क्योंकि मैं रूट नहीं करूंगा, आपको यहाँ पे वापस से एडवांस में आना है और गाइस यहाँ पे एक जरूरी फाइल है जो कि है डिजेबल फोर्स एनक्रिप्ट का, आपको इसे फ्लैश जरूर से कर लेना है। तो गाइस जैसे ये फ्लैश हो जाए फिर आपको गाइस होम बटन प्रेस करना है और यहाँ पे वाई पैड में आ जाना है और गाइस यहाँ पे फॉर्मेट डेटा में आपको YES टाइप करके यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो ये वाला बटन जो है इसे आपको प्रेस कर देना है। तो गाइस जैसे आप प्रेस करोगे तो भाई गाइस आपका जो है डेटा सक्सेसफुली फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो चुका है। अब गाइस चलते हैं अपने PixelOS वाले सिस्टम में। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये पिक्सल एक्सपीरियंस वाला ही बूट एनिमेशन यूज कर रहा है। तो गाइस मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि भाई ये पिक्सल एक्सपीरियंस का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है गाइस, इसमें आपको बहुत सारे ढेरों सारे न्यू फीचर्स देखने मिल जाते हैं। गाइस ये फर्स्ट टाइम बूट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है तो आपको वेट करना है।
तो गाइस हम जो है अपने पिक्सल वॉइस में बूट अप हो चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप स्किप कर देंगे इसे, यहाँ पे इसे आप सेटअप ऑफलाइन कर लेना, यहाँ पे कंटिन्यू करके नेक्स्ट यहाँ कर देना। यहाँ पे गाइस आपको अलाउ स्कैनिंग और सेंड यूजेस डायग्नोस्टिक दोनों को ही ऑफ कर देना है। गाइस यहाँ पे आपको मोर दो बार करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि पिक्सल इम्प्रिंट प्लस पैटर्न एंड ऑल है, तो गाइस इसे फिलहाल मैं स्किप कर दे रहा हूँ, आप बाद में भी इसे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे गाइस इसे भी स्किप कर देना है। और गाइस हम आ चुके हैं अपने पिक्सल ओएस वाले कस्टम रोम में। तो गाइस ये जो है आपको पिक्सल एक्सपीरियंस से ज्यादा स्मूथ देखने मिल जाता है। तो भाई यूआई तो फिलहाल स्मूथ है, गाइस नोटिफिकेशन बार भी आपको स्मूथ देखने मिल जा रहा है। तो गाइस मैं यहाँ दिखा दूं कि भाई ये Redmi Note 8 Pro का Pixel OS ही है, तो गाइस यहाँ देख सकते हो कि Android 13 है। ओके, और यहाँ पे गाइस मैं यहाँ दिखा दूं कि ये Pixel OS for Begonia है, और गाइस यहाँ पे जो कर्नल यूज हुआ है वो है Perf कर्नल। तो गाइस इसको मैं चेंज करने का एक वीडियो ला दूंगा कि भाई कर्नल चेंज कैसे करते हैं। बाकी गाइस इस कर्नल के साथ भी परफॉर्मेंस जो है वो काफी स्मूथ देखने आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस अगर आप पिक्सल ओएस को फ्लैश करना चाहो तो आप डेफिनेटली फ्लैश कर सकते हो। और 80 वाला जो रिकवरी है वो आपको रेडमी नोट 8 प्रो के लिए कैसा लगा? तो गाइस चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर गाइस कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, आपको जहां सही लगे, कोई इशू नहीं है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और गाइस अगर आप पिक्सल ओएस फ्लैश करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। गाइस ये आपको स्मूथ देखने मिल जा रहा है।